महन जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि मैंने आपसे अभी तक बात नहीं की है। मैं जानना चाहता हूं, मैं अभी रागनी से सवाल पूछूंगा कि राहुल गांधी जी ने आज भगवान राम का स्मरण नहीं किया, सिर्फ प्रियंका जी ने किया, ऐसा कहूं। लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूं कि अब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि हम तो मंदिर बनवाना चाहते थे, हमने ही शिलान्यास किया, हमने ही ताला खुलवाया। आप इस आंदोलन से 5 दशक से जुड़े हुए हैं, मुझे बताइए आपका अनुभव क्या कहता है। रागिनी सुन रही है आपको। इसी अयोध्या में राम राज्य होने वाला था, ऐसे ही दीप जलाए जा रहे थे जैसे आज दीप जले हैं। उस समय किसी अयोध्या के नागरिक के कारण नहीं, एक विदेशी महिला के कारण, उसका नाम सब जानते मंथरा था, एक मंथरा के कारण राम राज्य होते होते रह गया। परंतु अब अयोध्या में जो भक्ति की खीर बनी है उसमें कोई नमक नहीं डाल पाएगा, चिंता मत करिए। उस समय तो जो हो गया सो हो गया। आज से 10 साल पहले निर्णय होता तो मुझे लगता है कोई संदेह रहता, क्योंकि रिमोट कंट्रोल कहीं और था, तब मंथरा का कहीं ना कहीं प्रभाव था। पर आज किसी मंथरा का प्रभाव नहीं है, आज किसी कपटमुनि का प्रभाव नहीं है। इसलिए मैं तो आज भी सरयू मैया से और भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि कुछ लोगों को बुद्धि प्रदान कर दो, कुछ लोगों को सद्बुद्धि प्रदान कर दो। आए हो, कल तो संन्यास हो रहा है ना, मंदिर में 2-2.5 साल लगेंगे, आप आइए। यदि लोगों ने एक मिट्टी का तसला भी राम काज में डाल दिया तो उनके कई पीढ़ियों के पाप समाप्त हो जाएंगे, एक नहीं कई पीढ़ियों के पाप समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो दीपक जी, सरयू के किनारे कह रहा हूं, हम लोग साधु हैं, किसी को आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं तो श्राप भी नहीं देते, पर कह सकता हूं राम अभिमुख सहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोग नहारा। नानी के घर से फिर दोबारा आओगे कि नहीं आओगे पता नहीं है, परंतु भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि अब आ जाए। इनके ही लोग, कुछ लोग उन्होंने कपटमुनि बना रखे हैं, वो कहते जो मोहम्मद का नहीं मेरा नहीं हो सकता। आज उन लोगों के दिमाग बदले हुए हैं, आज कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई ईंटें भेज रहा है। अरे भैया अच्छा बात है, ईंटें भेजो, सुंदरकांड करो, परंतु तुम सुंदरकांड कर रहे हो, तुम्हारे कुछ लोग लंका कांड कर रहे हैं। इसी पार्टी के लोग कहते तो 19 से पहले चर्चा नहीं होना चाहिए, सुनवाई नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले शायद हम आ जाए, फिर क्या होगा? फिर बोले फिर तुम होने ही नहीं देंगे, जो 70 साल से आगे होगा। ये तो भगवान की कृपा है, आप सबका सद्भावना है, संतों का आशीर्वाद है, और 72 लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ये कोई प्रसाद में नहीं दे दिए कि राम जन्मभूमि, यहाँ साक्ष मिले, यहाँ मंदिर विध्वंस हुआ, आज भी लोग बावले हो गए जो बावरी बावरी चिल्लाते हैं। ठीक है।